नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में। आज हम देखेंगे चैप्टर 16, जिसका नाम है हेल्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले डिलीवरी केयर के बारे में बात की गई थी। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स जो हिमाचल में हैं वो इनक्रीज़ हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू 2015 और 16। 2015 में 76.4% जो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स होते थे, और 2019-20 में ये बढ़कर 88.2 हो गए हैं। यहाँ पर एक और डाटा याद रखना है सी सेक्शन डिलीवरीज का। तो 2015-16 में 16.7 डिलीवरीज जो है सी सेक्शन से होती थी, और 2021 में ये बढ़कर 21% हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक स्कीम का मेंशन किया गया था, जननी सुरक्षा योजना, जिसका मोटिव है कि हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी को बढ़ावा देना है। और यहाँ पर अगर कोई BPL, SC या ST का कोई कैंडिडेट डिलीवरी करवाता है तो उसको सरकार 1100 रुपये देती है। आयुष्मान भारत, जिसमें जो एक यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें हर एक फैमिली को जो एलिजिबल होते हैं उनको 5 लाख पर फैमिली जो है पर ईयर दिए जाते हैं अगर वो बीमार होते हैं, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनके गोल्डन कार्ड्स बनते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हिमाचल के कुछ लोग जो है बच गए, जो इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। फिर हिमाचल गवर्नमेंट ने हिम केयर नाम की एक स्कीम लॉन्च करी, जिसका भी सिमिलर काम था और जिसमें भी सेम बेनिफिट प्रोवाइड होते थे और वहाँ पर लोगों के हिम कार्ड्स बनते थे। तो हिम केयर में जो है सारे के सारे हिमाचल के लोग एलिजिबल हैं, और आयुष्मान भारत में कुछ ही लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो है इनकम क्राइटेरिया लगाया गया है, यहाँ पर कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं लगा है। नेक्स्ट स्कीम थी पाठशाला आयुष वाटिका, जिसमें सरकार ने बोला है कि हम 200 गवर्नमेंट स्कूल्स में आयुष गार्डन्स बनाएंगे। आयुष गार्डन यानी कि वहाँ पर हम हर्बल प्लांट्स की जो है ग्रोथ करेंगे, या हर्बल प्लांट्स वहाँ पर हम बच्चों से लगवाएंगे। नेक्स्ट, बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात की गई थी। तो हिमाचल का बर्थ रेट है 15.3%, डेथ रेट है 6.8% और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है 17। इन्फेंट मॉर्टेलिटी वो कंडीशन है जब बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। नेक्स्ट टेबल दिया गया था सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो उसमें अगर हम नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल दूसरे नंबर के ऊपर आता है विद 941 सेक्स रेशियो एट बर्थ, जो कि बेटर है नेशनल लेवल से। और हमसे ऊपर यानी कि फर्स्ट रैंक के ऊपर आता है लद्दाख, जिसकी सेक्स रेशियो एट बर्थ है 943। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।